नमस्कार, बहुत स्वागत आपका सुप्रभात राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बीजेपी का चुनाव प्रचार अब तेज होता हुआ नजर आएगा। आपको बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज राजस्थान दौरा रहने वाला है और आज झालावाड़ के दौरे पर रहेंगे जेपी नड्डा। साथ में ही बताते चलें कि दुष्यंत सिंह के समर्थन में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी साथ मौजूद रहेंगी। झालावाड़ से बीजेपी प्रत्याशी हैं दुष्यंत सिंह और आज उन्हीं के समर्थन में जनसभा भी की जाएगी। शक्ति प्रदर्शन भी जेपी नड्डा के द्वारा किया जाएगा। एक तरह से अब बीजेपी में चुनाव प्रचार प्रसार का भी दौर शुरू हो चुका है क्योंकि कुछ ही दिन बचे हैं पहले चरण के मतदान के लिए। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान है राजस्थान की 12 सीटों के लिए और उसके बाद 26 अप्रैल को 13 सीटों के लिए मतदान है। और आज दुष्यंत सिंह के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया जाएगा। कल ही दुष्यंत सिंह ने अपना पर्चा दाखिल किया था, हालांकि तब माँ वसुंधरा राजे मौजूद नहीं थी, लेकिन आज मौजूद है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता तरुण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तरुण, अब बीजेपी का चुनाव प्रचार और भी ज्यादा तेज होता हुआ नजर आएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष क्योंकि जेपी नड्डा का आज दौरा रहने वाला है, क्या क्या उनके कार्यक्रम प्रस्तावित है, विस्तार से बताइए। जी, भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा, उनका झालावाड़ दौरा है और वे दोपहर 12 बजे के करीब झालावाड़ के जो पुलिस लाइन परिसर में जो हेलीपैड बनाया गया है वहां पर पहुंचेंगे। उसके बाद वहां पर भाजपा के जो नेता और जो कार्यकर्ता हैं वो नड्डा की अगवानी करेंगे, स्वागत करेंगे और उसके बाद सीधे वे वहीं से झालावाड़ का जो प्रवीण शर्मा क्रिकेट मैदान है वहां पर पहुंचेंगे और वहां पर जो झालावाड़ 12 लोकसभा क्षेत्र से जो प्रत्याशी हैं दुष्यंत सिंह, उनके समर्थन में एक जो नामांकन सभा जो रखी गई है, हालांकि वे नामांकन कल ही दाखिल कर चुके हैं लेकिन सभा आज रखी गई है, उसे संबोधित करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सहित जो झालावाड़ 12 लोकसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक, जनप्रतिनिधि और जो वरिष्ठ कार्यकर्ता, नेता, पदाधिकारी सभी लोग इस सभा में मौजूद रहेंगे। भाजपा के द्वारा इस सभा को लेकर खासी तैयारियां की गई है। जिले के सभी मंडलों में बैठकें ली जा रही थी लंबे जो कुछ दिनों से और यहाँ पर करीब जो हर मंडल से हजारों लोगों को लाने का लक्ष्य रखा गया है, करीब 25,000 लोगों को लाने का लक्ष्य जो भाजपा ने तय किया था कि इस सभा में इतने कार्यकर्ता पहुंचेंगे, इतने लोग पहुंचेंगे और जेपी नड्डा इस सभा में करीब 1 घंटे रहने का उनका कार्यक्रम है। इस सभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद वे करीब 1:30 बजे के लगभग वापस झालावाड़ से मध्य प्रदेश के इंदौर के लिए हेलीकॉप्टर से रवाना होने का उनका कार्यक्रम है। ठीक है तरुण, लेकिन ये बीजेपी का गढ़ माना गया, 2014 में भी दुष्यंत सिंह जीते, 2019 में भी जीते उर्मिला जैन भाई, हालांकि आज नामांकन अपना दाखिल करेंगी, झालावाड़ पे इतना फोकस क्यों जब बीजेपी जीतते हुए आ रही है? झालावाड़ी मेन फोकस है या आसपास के जिलों को भी प्रभावित करना? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। झालावाड़ लगभग 35 सालों से भाजपा का जो अभेद गढ़ बना हुआ है और इस गढ़ को बरकरार रखना चाहती है भाजपा। खास बात यह है कि वसुंधरा राजे अपने इस गढ़ को बरकरार रखना चाहती है। बहुत शुक्रिया तरुण तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए कोटा से भी बड़ी खबर इस बीच आपको बताते चलें कि आज ओम बिरला नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन में सीएम भजन लाल होंगे शामिल, तो डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा भी इसमें शामिल होंगे। आपको बता दें कि प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी भी इसमें शिरकत करने वाले हैं और कांग्रेस के प्रहलाद गुंजल से यहां पर मुकाबला है। कोटा से ये बड़ी जानकारी और नामांकन जिसमें आज सीएम भजनलाल शामिल होंगे, क्योंकि देखिए लगातार जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं, बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों के ही जो प्रत्याशी हैं वो नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंच रहे हैं और तमाम बड़े कद्दावर नेता भी उनके साथ मौजूद नजर आ रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता हिमांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, क्या कुछ अभी जानकारी, कितने बजे नामांकन दाखिल करेंगे? देखिए आज ओम बिरला जो कोटा बूंदी से भाजपा प्रत्याशी हैं वो अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। 11 से 11:30 बजे का वक्त होगा जब नामांकन सभा शुरू होगी जो कि उम्मेद स्टेडियम में रखी गई है। आपको बता दें कि 10 बजे ओम बिरला आज अपने दिन की शुरुआत हनुमान जी के दरबार में हाजिरी लगाने के साथ वहां गोदावरी धाम दर्शनों के लिए पहुंचेंगे, जिसके बाद में नामांकन सभा में पहुंचने वाले हैं। खास बात यह है कि खुद मुख्यमंत्री भजन शर्मा, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी मौजूद रहने वाले हैं। इसके बाद में करीब करीब 1.5 घंटे की सभा होगी जो उम्मेद स्टेडियम में होने वाली है और इसके साथ ही यहां से जिला कलेक्ट्रेट तक एक जो ओपन जीप में
है नामांकन रैली वो देखने को मिलेगी और जिसके बाद में नामांकन दाखिल किया जाएगा कोटा जिला कलेक्ट्रेट में। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि इस नामांकन रैली को नामांकन सभा को सफल बनाने के लिए बड़ी व्यापक तैयारियां की गई हैं। कोटा और बूंदी के गांव ढांडी से बड़े पैमाने पर लोग पहुंच इसको लेकर के इंतजाम किए गए हैं और इसे इस तरह से भी देखा जा रहा है कि जब हमने देखा था कि कांग्रेस के प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल ने अपना नामांकन दाखिल किया, इस तरह का शक्ति प्रदर्शन प्रहलाद गुंजल करते हुए नजर आए थे, कहीं ना कहीं उसके जवाब के तौर पर भी देखा जा रहा है। तो देखना ये होगा कि एक तरफ तो मंच पर बीजेपी के दिग्गजों नजर आएंगे, इसके साथ ही बड़ी भारी भीड़ यहाँ पर नामांकन सभा के दौरान जुटाने की। बिल्कुल हिमांशु, कोटा सीट पर ये दिलचस्प महामुकाबला भी है और आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और भीलवाड़ा से बड़ी जानकारी आपको दे दे, आज सीपी जोशी नामांकन दाखिल करेंगे। भीलवाड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी हैं सीपी जोशी, पूर्व सीएम गहलोत नामांकन में शामिल होंगे और साथ ही टीकाराम जूली, सुखजिंदर सिंह रंधावा भी आज नामांकन में शिरकत करेंगे। बीजेपी के दामोदर अग्रवाल से है महामुकाबला और ये बहुत हॉट सीट मानी जा रही है क्योंकि बाद में सीपी जोशी को उतारा गया। सुदर्शन रावत ने जब खेल किया उसके बाद से ही सीपी जोशी को उतारा गया। पहला ब्राह्मण चेहरा कांग्रेस की तरफ से उतारा गया क्योंकि जितने भी लिस्ट कांग्रेस की आई उसमें एक भी ब्राह्मण चेहरा नहीं था। सीपी जोशी को इस सीट के लिए दावेदारी पेश करने के लिए मजबूत कैंडिडेट माना गया और आज नामांकन दाखिल करने में इसीलिए कांग्रेस की तरफ से मजबूत शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा ताकि ये सीट कांग्रेस के खाते में आ सके। तो बीजेपी के दामोदर अग्रवाल से यहाँ पर महामुकाबला होने जा रहा है और देखिए बड़ा ही दिलचस्प ये सीट पे मुकाबला होगा क्योंकि बात अगर हम कर ले यहाँ पर सीपी जोशी की तो लगातार देखिए उनको लंबा तजुर्बा रहा है बीजेपी की तरफ से। दामोदर अग्रवाल जिस पर जो कि नया चेहरा जिस पर बीजेपी ने दाव खेला है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राहुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, भीलवाड़ा सीट अब हॉट सीट बनी हुई है क्योंकि यही वो सीट है जहां पर देखने को मिला था कि प्रत्याशियों की इधर से उधर हेराफेरी देखने को मिली थी, मतलब सीट यहां पर बदला गया। फिलहाल क्या जानकारी है, अब इस कितने बजे नामांकन की प्रक्रिया और क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, अपने जो जो इनके सिपाही हैं मजबूत सिपाही हैं सीपी जोशी को मौका दिया है कांग्रेस पार्टी ने। आज वो नामांकन भरेंगे, 11 बजे नामांकन भरने का कार्यक्रम है। नामांकन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राजस्थान के प्रभारी सुखविंदर रंधावा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासा, टीकाराम जूली भी शामिल होने की बात है। उसके बाद जनसभा होगी, जनसभा गुलाब बाग में रखी गई है। कार्यकर्ताओं में जोश देखा जा रहा है, सीपी जोशी कल ही पहुंच गए थे, कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी बैठक ली है। वो सारी योजनाएं रणनीति बनाई जा रही है ताकि जो लगातार दो बार से भाजपा पार्टी जो गढ़ जीतती आ रही है उसको कहीं ना कहीं तोड़ा जा सके, उसके लिए सीपी जोशी और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह तैयारी कर रही है। आज नामांकन भरा जाएगा, जनसभा को संबोधित किया जाएगा, कई बड़े नेता पहुंचेंगे और भी आसपास के जो नेता हैं कई जिलों से वो भी यहाँ पे पहुंचेंगे। नामांकन भरने के बाद जनसभा रखी गई है और जनता को संबोधित किया जाएगा। जी ठीक है, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे राहुल, फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए एक और बड़ी खबर आपको लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई बताते चलें कि कोटा में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। बीजेपी में पूर्व जिला अध्यक्ष गोविंद शर्मा शामिल हो गए हैं और एमएलए संदीप शर्मा, जिला अध्यक्ष राकेश जैन ने सदस्यता दिलाई। आपको बता दें कि शक्ति नगर में बिरला आवास पर बीजेपी की सदस्यता ली, उसकी तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो कोटा में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा। देखिए पिछले दिनों से जो तस्वीरें निकल करके सामने आई हैं उसमें ये देखने को मिला है कि कई बड़े कद्दावर नेता हैं वो कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में शामिल हुए, बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की जो कार्यशैली रही है और उसको देखते आ रहे हैं, उससे प्रभावित होकर मैंने आज ये बड़ा फैसला करा है। कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है और डूबते हुए जहाज की कोई सवारी नहीं करता, उसको देखते हुए कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है और मोदी जी ने जो कहा है कि 140 करोड़ भारतीय मेरा परिवार है, उस परिवार में सभी लोग शामिल हो रहे हैं और आज परम सम्मान्य श्री गोविंद जी शर्मा साहब जो शहर जिला कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं, मेरे जिला अध्यक्ष पद पर रहते हुए आपने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, मैं अत्यंत खुश हूँ।
और इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दे, ताइवान में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। ताइवान की राजधानी में भूकंप के तेज झटके, भूकंप से ताइवान में बड़ा नुकसान हुआ है। 7.2 रिक्टर स्केल की तीव्रता बताई जा रही है भूकंप की, जो ताइवान को बिल्कुल बुरी तरीके से हिला दी है। ये वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ताइपे के ताइवान की, जहां पर 7.2 रिक्टर स्केल से वहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए, यानी कि भूकंप तेज आया था, बड़ा नुकसान ताइवान को हुआ है। ताइवान की राजधानी में ये भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो ताइवान में भूकंप के तेज झटके 7.2 यानी कि 7.2 गति की तीव्रता से वहां पर भूकंप के झटके महसूस आए। यहां पे तस्वीरों में जिस तरह दिख रहा है, कई घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं, कई बड़ी बिल्डिंग्स क्षतिग्रस्त हो गई हैं। तेज जो भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, जहां सामान अस्त व्यस्त हो गया, लोग जो घर डैमेज हो गए हैं वहां से लोग किसी तरह से घर से बाहर निकल रहे हैं, वो दूसरी तस्वीर में अभी आपको दिख रहा है। फिलहाल वहां पर कितना डैमेज हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, वो भी आपको अपडेट बताएंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि ताइवान में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। तो अर्थ की जब टेक्टोनिक प्लेट्स एक साथ टकराती हैं, एक दूसरे के ऊपर जब आके मिल जाती हैं, तभी भूकंप के तेज झटके महसूस किए जाते हैं। हालांकि भूकंप का केंद्र कहाँ है, ये अभी अपडेट आएगा तो आपको बताते चलेंगे। लेकिन फिलहाल जिस तरह तस्वीरों में दिख रहा है, ताइवान में 7.2 तीव्रता के साथ भूकंप के तेज झटके ताइवान में महसूस किए गए, और वहां पर तमाम जो तस्वीरों में दिख रहा है, बड़ा नुकसान बताया जा रहा है। लेकिन कितने कोई जनहानि हुई है या नहीं हुई है, कितनी बिल्डिंग्स डैमेज हुई है, क्योंकि तस्वीरों में जिस तरह दिख रहा है, कई घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं, लोग घरों से बाहर अपनी जान बचाकर बाहर निकल रहे हैं, तमाम वो बड़ी बिल्डिंग्स क्षतिग्रस्त होती हुई दिखाई पड़ रही हैं आसपास की, क्योंकि एक बड़ी बिल्डिंग अगर डैमेज होगी तो आसपास की जो चीजें होंगी उनको भी नुकसान पहुंचेगा। ये तस्वीर आप देखिए, एक और बड़ी बिल्डिंग्स जो घर की तरह या होटल की तरह लग रही है, वो नीचे ध्वस्त होती नजर आई है। घर से बाहर निकल के जो घर डैमेज हो गए हैं, उसमें घर से बाहर निकलते हुए लोग नजर आ रहे हैं। ताइवान की ये खबर आपको बता रहे, जहां 7.2 तीव्रता के साथ भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। और प्रधानमंत्री जब भाषण देते हैं तो सुनने वाले सुनते ही रह जाते हैं, वो जब हमला करते हैं तो विपक्ष की बोलती बंद हो जाती है। और प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने चुनावी दौरे का आगाज कोटपुतली से किया, और अपने करीब 25 मिनट के भाषण में उन्होंने उन सब मुद्दों को छुआ जिनका जनता से सीधा सरोकार था, और विपक्ष पर भी बड़ा प्रहार था। देखिए खास रिपोर्ट में। चुनावी बिगुल में पीएम ने संभाली प्रचार की कमान। राम राम सा। कोटपुतली से पीएम मोदी की चुनावी सभा का आगाज। भव्य राम मंदिर बना कि नहीं बना, दिए जले आग नहीं लगी। पीएम मोदी जब भी किसी जनसभा को संबोधित करते हैं, ऐसा ही उत्साह और उमंग देखने को मिलता है। कोटपुतली के मैदान में जब पीएम मंच पर आए तो कार्यकर्ताओं का उत्साह चरम पर था। हर कोई मोदी का हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए नजर आया। पीएम मोदी भी मंच से लोगों का सम्मान स्वीकार करते दिखे। पीएम मोदी ने कोटपुतली से प्रदेश में अपनी पहली चुनावी जनसभा का आगाज किया, और उनका अंदाज भी हर बार की तरह अलग दिखाई दिया। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत राम राम सा से की। राम राम सा। पीएम मोदी का भाषण चुनावी जरूर था, लेकिन अंदाज लोगों को मुस्कुराने पर मजबूर कर रहा था। जब भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करता हूं तो कांग्रेस और इंडी अलायंस के लोग जम करके, जी भर करके मोदी को गाली देते रहते हैं, लेकिन राजस्थान के लोग जानते ही है, राजस्थान के लोग भली भांति जानते हैं, दाल बाटी चूरमा, वोटर मारा सुरमा। पीएम मोदी ने राम मंदिर का जिक्र करते हुए विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। इन लोगों ने सालों तक चलाया, अगर राम मंदिर का नाम भी लोगे तो देश जल मरेगा, आग लग जाएगी।
भव्य राम मंदिर बना के नहीं बना, बना के नहीं बना, दिए जले आग नहीं लगी। कोटपुतली में अपने भाषण के दौरान पीएम मोदी ने देश में गरीबी के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। कांग्रेस ने देश के करोड़ों छोटे किसानों को कभी नहीं पूछा। मोदी ने राजस्थान के 85 लाख से ज्यादा किसानों के बैंक खातों में पीएम किसान सम्मान निधि के करीब करीब 20,000 करोड़ रुपए भेजे हैं। कांग्रेस ने कभी श्रमिकों, मजदूरों को पूछने के लिए उनको फुर्सत नहीं मिली। पिछले 10 साल के कार्यकाल का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। अभी तो बहुत कुछ करना है, अभी तो हमें देश को बहुत आगे लेकर जाना है, हमें राजस्थान को आगे लेकर जाना है। पीएम मोदी ने अपने भाषण के दौरान धारा 370 का जिक्र भी किया। भाइयों बहनों, 370 मानो ऐसा बिजली का करंट था, ऐसा डरा के रखा था, कोई 370 को छुएगा तो पूरे देश में बिजली का करंट लग जाएगा। छूने को तैयार नहीं थी, इनको पता नहीं है ये मोदी है। और कश्मीर से आर्टिकल 370 को खत्म करना हो। पीएम की रैली चुनावी थी, ऐसे में गठबंधन पर हमला वाजिब था। देश और उसका इंडी गठबंधन देश के लिए नहीं बल्कि अपने स्वार्थ के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। ये पहला ऐसा चुनाव है जिसमें सारे भ्रष्टाचारी मिलकर भ्रष्टाचार पर कार्रवाई रोकने के लिए रैली कर रहे हैं। कोटपुतली में पीएम की जनसभा प्रत्याशी राव राजेंद्र सिंह के समर्थन में थी, ऐसे में प्रधानमंत्री ने मतदाताओं को बीजेपी और कांग्रेस के बीच बेसिक अंतर को भी बताया। देश की सियासत फिर दो खेमों में बंटी नजर आ रही है। आज एक तरफ राष्ट्र प्रथम का संकल्प लेकर चलने वाली भाजपा है तो दूसरी तरफ देश को लूटने के मौके तलाशने वाली कांग्रेस पार्टी है। पीएम ने जनसभा को संबोधित करते हुए भरोसा जताया कि प्रदेश की जनता बीजेपी की झोली में 25 की 25 सीटें देगी। पूरा राजस्थान कह रहा है 4 जून, 4 जून, 4 जून, 4 जून। कोटपुतली में पहले चरण में मतदान होना है, ऐसे में पीएम मोदी की पहली जनसभा बेहद दमदार रही। अब 5 अप्रैल को पीएम चुरू में जनसभा करने वाले हैं। अब देखना यह है कि पीएम जिस तरह का विश्वास प्रदेश की जनता पर कर रहे हैं, वैसा ही विश्वास जनता बीजेपी पर करती है या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। और वहीं चुनाव में धनबल और नशे का इस्तेमाल हमेशा होता रहा है, इस बार भी चुनाव में पुलिस की नकदी और नशे पर पैनी नजर है। कई स्थानों पर की गई कार्रवाई में करोड़ों रुपए भी बरामद हुए हैं। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मरुधरा भी चुनावी रंग में रंगी हुई है। नेताओं का ताबड़तोड़ प्रचार जारी है, लेकिन प्रशासन भी चुस्त दुरुस्त और एक्टिव मोड में है। जो लोग भी चुनाव को पैसे और शराब से प्रभावित करना चाहते हैं, उन पर बड़ी कार्रवाई की जा रही है।
झुंझुनू में तो पुलिस ने करीब 1,55,00,000 रुपए की नकदी पकड़ी है। वहीं ये नकदी यूपी नंबर की बस से पकड़ी गई। साथ ही 3 लोगों को भी पुलिस ने धर दबोचा, जिनमें एक झुंझुनू और 2 सीकर के रहने वाले थे। लोग काफी भारी मात्रा में कैश लेकर आ रहे हैं और इसी सूचना पर हमने हमारी जिला की जो स्पेशल टीम है और वहाँ के जो फ्लाइंग स्क्वाड थी उनके द्वारा हमने सुबह सुबह नाकाबंदी कराई और उस नाकाबंदी के दौरान एक बस को हमने रोका और चेक किया और उसमें 3 संदिग्ध व्यक्ति जिनके नाम है मोहम्मद जावेद, मोहम्मद मंजूर और मोहम्मद आसिफ, इनके पास से 4 बैग्स बरामद हुए। वहीं पुलिस ने अजमेर और उदयपुर से भी नकदी पकड़ी है। उदयपुर में जहां एक कार से 545 ग्राम सोना और 65,000 रुपए की नकदी बरामद की गई। सोने की कीमत करीब 40,00,000 रुपए बताई जा रही है। खेरवाड़ा पुलिस की इस कार्रवाई को बड़ी सफलता माना जा रहा है। इसके साथ ही अजमेर की क्लॉक टावर थाना पुलिस ने स्कूटर सवार लोगों का पीछा कर 3,00,000 रुपए बरामद किए। थानाधिकारी वे पुलिस टीम को लेकर रवाना हुआ तो ब्लू कौशल की तरफ से 2 संदिग्ध व्यक्ति मुखबिर की इतला के बताए अनुसार आते नजर आए, जिनको रोकर नाम पता पूछा तो एक ने अपना नाम मोहित और एक लड़के ने नाम अपना हिमांशु बताया, जो एक स्कूटी पे सवार थे। जिनको चेक किया तो हिमांशु के पास कुल 3,00,000 रुपये नकद मिले थे और उसने बताया कि भाई यह हमारा जो सेट है नरेश, उसकी दुकान पर भी काफी मात्रा में केस पड़ा है। पुलिस ने सिर्फ नकदी ही नहीं पकड़ी, इन स्थानों पर अवैध शराब भी पकड़ी है। कहा जाता है कि चुनाव में शराब और पैसे से बड़ा खेल खेला जाता है। डूंगरपुर जिले की धम्बोला थाना पुलिस ने जामबुड़ी में शराब से भरी एक इनोवा कार को जब्त किया। पुलिस ने कार चालक को गिरफ्तार किया और शराब के 82 कार्टन जब्त कर लिए। इनकी कीमत 7,00,000 रुपए बताई जा रही है। वहीं झुंझुनू की मलसीसर पुलिस और आबकारी विभाग ने 800 लीटर वाश को नष्ट कर दिया। साथ ही 4 लोगों को मौके से धर दबोचा और 2 कच्ची भट्टियों को भी नष्ट किया। हालांकि चुनाव के समय पुलिस हमेशा से ही ऐसी कार्रवाई को अंजाम देती रही है। एक दिन पुलिस ने 1,00,00,000 रुपए की नकदी समेत अवैध शराब जब्त की है। आने वाले समय में पुलिस की छापेमारी और ज्यादा बढ़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। और कोटा से बड़ी खबर, आज होगा किडनैपिंग कांड का खुलासा। इंदौर पुलिस के सहयोग से कोटा पुलिस को सफलता मिली है। छात्रा और उसका दोस्त इंदौर से दस्तयाब किया गया है और आज छात्रा और उसके दोस्त को लेकर कोटा पुलिस लाएगी। छात्रा ने खुद ही अपने अपहरण की झूठी कहानी रची थी। सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से इस पूरी कहानी की गुत्थी को सुलझाने में पुलिस को काफी महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले थे। हालांकि पुलिस ने टीमें गठित कर दी गई थी, जयपुर से लेकर कोटा, कोटा से लेकर इंदौर तक पुलिस छापेमारी कर रही थी, तलाश अभियान चला रही थी। यहां तक कि इंदौर में जहां पुलिस भी मौजूद थी तो छात्रा के माता पिता भी मौजूद थे। बता दें 30,00,000 की फिरौती, बच्ची की फोटो देखकर छात्रा की उसका मुंह और हाथ पैर बांधकर माता पिता को भेजा गया था। धमकी दी गई थी कि अगर अपनी बच्ची को आप चाहते हैं पाना तो 30,00,000 दे दीजिए, वरना कुछ भी हो सकता है। और अब इसमें बड़ा खुलासा हुआ है कि बच्ची ने, छात्रा ने खुद ही अपहरण की झूठी कहानी रची थी। और अब चलिए